वहीं देश के दो बड़े सूबे यूपी और बिहार भी लगातार कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें भी बिहार की हालत ज्यादा खराब है, जहां सैकड़ों गांव महीने भर से ज्यादा वक्त से पानी पानी है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी कई शहरों में हजारों लोगों को बेहिसाब तकलीफ दे रहा है। बेबस यूपी बिहार, बाढ़ की बेहिसाब मार, गांव गांव बाढ़ की मार, तबाही के आगे जनता लाचार। बाढ़ और बदकिस्मती बिहार के साथ कुछ इस तरह जुड़ गई है कि ये बेबसी साल दर साल पीछा नहीं छोड़ती। महीने भर से कई जिलों में बाढ़ ने मानव जिंदगी को ब्रेक लगा दिया हो। समस्तीपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोग बेबस होकर बस पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। घर, सड़कें, मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही दिखेगा। क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब इस जल प्रलय को झेल रहे हैं। 9 ब्लॉक के 150 गांव में यही हाल है। 125,000 लोग प्रभावित हैं। बागमती, कोशी, करेह और बूढ़ी गंडक नदियों ने जिंदगी हलकान कर डाली है। समस्तीपुर दरभंगा सड़क मार्ग के दोनों छोर पर बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। सिवान में बाढ़ से कई पेड़ गिर गए हैं। एक पेड़ के नीचे दबे शख्स को एनडीआरएफ ने कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। गया में नेताजी बाढ़ पीड़ितों से मिलने निकले तो उनको भी बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ा। इंसान के साथ साथ जानवरों का भी प्लान जारी। बिहार के बाद अब यूपी का रुख करते हैं। बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। सरयू नदी की बाढ़ से 55,000 लोग बेहाल हैं। घर, गांव, खेत खलिहान, सब पर पानी का साया है। हर तरफ दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल और सरकारी इमारतें पानी में डूबी हैं। पानी में डूबे घरों से निकलने के लिए सिर्फ नाव का ही आसरा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाढ़ के पानी से कुछ इस तरह साइकिल पर बैठाकर निकाला जा रहा है। बाढ़ का पानी पूरे गांव की जमीन को काट रहा है। अफसर आते हैं और वीडियो बनाकर ले जाते हैं। हकीकत में होता कुछ भी नहीं। समस्या यहाँ कटान इतनी तेजी से हो रही, कोई खबर, कोई ख्याल खबर ले नहीं रहा यहाँ पर। जिसको जो कोई आता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से देखभाल के चले जाते हैं, वीडियो बना के कुछ करते नहीं है। एक बार काम भी चला, 1500 बोरी डरवा के काम भी बंद करवा दिए। जरा बहराइच के एक थाने का हाल देख लीजिए। 2-2 फुट पानी भरा है। कई रोज से यही हाल है। इसी पानी में खड़े होकर झंडा भी फहराया गया। यह मोरनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 2017 में भी यहाँ बाढ़ थी और यही हालत थी जो आज है। करीब करीब 2 फुट यहाँ पानी भरा हुआ है और इसमें हमने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को सलामी दी। बाढ़ बेहाल कर रही है, लेकिन सरकारी एजेंसियां शायद नींद में हैं और यूपी बिहार के कई जिलों के लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।